मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो, मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, दुर्लभ साज मुक्ति की देही, दुर्लभ साज मुक्ति की देही, भोले माया पाई कै, भूले माया पाई कै, लगी हाट सौदा कब करी हो, लगी हाट सौदा कब करी हो, का करी हो घर जाई कै, का करी हो घर जाई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, मूरख मूल गवाई कै, मूरख मूल गवाई कै, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लाई कै, गुरु के चरण चित लाई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो, मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी भजन सुन रहे थे,
मन तुम भजन करो जग आई के। इस संसार में आए हो तो भजन करो। भजन करने के लिए ही यह मानव जीवन मिला हुआ है। सुबह से शाम तक कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं। समय आने पर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं। लेकिन कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते। इस पूरी दुनिया में केवल आदमी ही भजन कर सकता है। आदमी सुबह से शाम तक काम धाम करके अपना पेट भर लिया, बड़ा हुआ, शादी विवाह किए, बाल बच्चे पैदा हो गए, उन्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिए, उनके भी शादी विवाह कर दिए, इतने में रुक गए तो जान पशु पक्षियों में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होगा। कमाना खाना मजबूरी है, क्योंकि बिना खाए हम जीवित रह नहीं सकते, और खाना है तो काम करना पड़ेगा। तो एक कमाना खाना उद्देश्य नहीं है, ये तो जानवर भी करते हैं, मजबूरी है। मजबूरी किसे कहते हैं? जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, जो करना ही पड़ेगा हर हालत में। अब कुछ भी उपाय कर लो, बिना भोजन खाए आपकी भूख दूर नहीं होगी। चाहे भगवान का नाम जपो, चाहे गुरु का नाम जपो, चाहे गंगा नहाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे जो कर लो, भूख लगी है तो भोजन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय और है नहीं। तो इसलिए ये मजबूरी है। और मजबूरी है तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। जानवरों को काम नहीं करना पड़ता। जानवरों का ना खेत है, ना खलिहान है, ना दुकान है, ना व्यापार बट्टा है, ना जमीन है, ना नौकरी धंधा है। कोई जानवर आपने पाल लिया है, गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, बकरी पाले हैं, कुत्ता पाले हैं, बिल्ली पाले हैं, तो आप उनको चारा दे देते हो। ये पक्षी जो उड़ते रहते हैं आकाश में, इनके लिए क्या व्यवस्था किए हो? जंगल में तमाम जानवर, हजारों जानवर, उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो क्या वे भूखे रह जाते हैं? पेड़ तो वो भी भर लेते हैं। इस प्रकृति में